days ago, Samajwadi Party leader Naresh Agrawal raised an objection to the salaries of MPs, claiming that their salaries were lower than those of their secretaries. Slamming Naresh Agrawal's statement, BJP MP in Lok Sabha Varun Gandhi has criticised the demand for a salary hike in view of the continuous disruptions that adversely affect lawmaking. Varun Gandhi has demanded that the government form an independent body comprising members outside Parliament to decide how much salary lawmakers should get. Varun Gandhi has suggested that MPs should forgo their privileges in view of the economic condition of the poor and the underprivileged citizens. कोई भीख नहीं मांग रहे लोक सभा और राज्यसभा की जॉइंट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है तो आखिर उस रिपोर्ट को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है और राज्यों के एमएलएस की सैलरी हम लोगों से ज्यादा है. In the last decade, parliamentarians have increased or have requested, and it has been sought, an increase of 400% in the increase of our own compensation. Have we really earned this massive increment, madam? No, we should not create controversy on this issue, because these are certain things where some people may find it easy to target their politicians by creating and making an issue. It should not be in that way. ये तो मेरे हिसाब से ये कहना कि जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो न करें कोई और करे ये ठीक नहीं है. हाँ, उनको इतना आदर्श अपनाना चाहिए कि जब इतना देश में इतनी गरीबी है तो हम अपना वेतन बढ़ाने की बात पहले ना करें, पहले देश की जनता की गरीबी दूर हो उसके बाद हम अपने वेतन की बात करेंगे. इन द गवर्नमेंट इट इज नॉट प्रॉपर ऑन माय पार्ट टू कमेंट अपॉन दिस गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु विद रेस्पेक्ट टू द हाइक और विद द लेजिस्लेचर ऑफ द तमिलनाडु विद रेस्पेक्ट टू द हाइक इन द एमएलए सैलरी. वैसे तो संजय जी के पुत्र हैं, मैं बहुत ज्यादा कमेंट गांधी परिवार पर करता नहीं हूं, लेकिन वरुण जी को मालूम होना चाहिए कि हर आदमी परिवार की वजह से राजनीति नहीं आया है और हर आदमी गोल्डन स्पून इन दी माउथ लेके नहीं आया. उस समय तमाम बातें हुई थी, स्विट्जरलैंड तक को संजय जी से जोड़ा गया था, लेकिन हम लोगों ने उन चीजों का विरोध किया था. आज हर आदमी वरुण जी की तरह आलिशान तरीके से नहीं रह सकता है. हो सकता वरुण जी बड़ा व्यापार कर रहे हों, लेकिन 80% से ऊपर एमपी जो आ रहे हैं वो बहुत ही छोटी स्थिति से आ रहे हैं. उन एमपी से आप ये सोचें कि एक गांव में मकान रखे, वो एक उस शहर में मकान रखे, फिर एक दिल्ली में मकान रखे, बच्चों को पढ़ाए भी 1 लाख रुपए में. वरुण जी की वगैरह के लिए संभव है, मुझे नहीं दिखा देता. आम एमपी के लिए वरुण जी एक काम करें, अगर अच्छा है तो अपने दल के सब एमपी से राय ले लें तो शायद इस तरीके की राय नहीं देंगे. अगर कोई व्यक्ति इतना और कहता तो मेरी टिप्पणी बड़ी कटाक्ष वाली होती. मैं वरुण जी को भतीजा मानता हूं, इस बारे बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं कहा. सो ही हैज मेड अ स्टेटमेंट कि लंदन यूके में 413% हाइक हुआ है और इंडिया में पिछले 10 सालों में 400% के आसपास हाइक हो गया. इस क्लेरिफिकेशन और इस एक्सप्लेनेशन का क्या? मैंने कहा उनको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर वरुण जी वास्तव में गरीबी देख लें जाकर गांव में और आम एमपी के घर में जाकर गांव में उसका घर है, शहर में उसका घर देख लें तो शायद वरुण जी ये नहीं कहेंगे. बड़े घर के बेटे हैं, इस मारे हुए उनको सब कुछ माफ है.